बुधवार को जोधपुर से एक ऐसी खबर आई जिससे सियासी जगत में शोक छा गया। जोधपुर की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया। सूर्यकांता व्यास 6 बार विधायक रहीं। लोग प्यार से उन्हें जीजी कहकर बुलाते थे। 87 साल की जीजी काफी वक्त से बीमार चल रही थी। जीजी के निधन से बीजेपी नेताओं में शोक छा गया। जीजी के बेटे शिव कुमार व्यास के मुताबिक बुधवार को सुबह 7 बजे उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। महज कुछ ही मिनट के बाद अस्पताल में जीजी ने दम तोड़ दिया। आज शाम को सिमाची गेट स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। जीजी के निधन पर तमाम बीजेपी के नेताओं ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश के तमाम नेताओं ने शोक जताया है। सूर्यकांता व्यास के निधन पर तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी संवेदना जाहिर की है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा है कि सूरसागर जोधपुर की पूर्व विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी जीजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार तथा समस्त परिजनों के साथ है। ओम शांति। वही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा है कि हमारी वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी का देहावसान जोधपुर क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक जीवन की अपूर्णीय क्षति है। जीजी 6 बार क्षेत्र से विधायक रहीं। उनकी लोकप्रियता और वरिष्ठता का सभी सम्मान करते थे। इस लोकसभा निर्वाचन के पूर्व मुझे उनका आशीर्वाद मिला था। उनसे हुई भेंट स्मृति पटल पर अंकित है। मैं हृदय से दुखी हूँ। प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को अपनी शरण प्रदान करें। परिवारजनों और समर्थकों को संबल प्राप्त हो। ओम शांति। सीएम भजन लाल शर्मा ने एक्स पर लिखा है कि सूरसागर विधानसभा से पूर्व विधायक भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सूर्यकांता व्यास जीजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। कुछ दिन पूर्व ही उनसे भेंट हुई थी, जहाँ उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे प्रति उनका अपार स्नेह और वात्सल्य सदैव बना रहा। उनका स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिवार को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। सूर्यकांता व्यास 1990 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। एक पार्षद से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाली जीजी ने 1990, 1993 और 2003 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। जीजी ने जोधपुर ओल्ड विधानसभा क्षेत्र में 1998 का चुनाव हार गई थी। तब उनके सामने कांग्रेस के जुगल काबरा थे। 2008 और 2018 में सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से जीजी ने फिर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव का टिकट जीजी को बीजेपी ने नहीं दिया था। उनकी जगह देवेंद्र जोशी को बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया था। सूर्यकांता व्यास के पति उमाशंकर व्यास सप्लाई इंस्पेक्टर थे। पति फतेहराज कल्ला पुलिस इंस्पेक्टर थे। जीजी 2012 में विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी चुनी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।